राज्य में ठंडी अंगे हवामान विभाग ने आगाही, चार दिवस बाद ठंडी में थशे वधारो। आवनारा चार दिवस ड्राय टेम्परेचर रहेशे। हाल समग्र राज्य में सामान्य टेम्परेचर रहेशे। गई काले नलिया में 15.2 डिग्री तापमान नोंधायुं हतुं। अमदावाद सहित राज्यभर में वध्यु ठंडीनुं जोर। अमदावाद में गगड़ियो तापमाननो पारो। एक ज दिवस में 5 डिग्री नीचे उतर्युं तापमान। 13 डिग्री साथे अत्यार सुधीनुं अमदावादनुं सौथी नीचुं तापमान रह्युं। आगामी एक सप्ताह सुधी 13 થી 14 डिग्री तापमान रहेवानी संभावना। भावनगर सीहोर वरल में बिनवारसी सरकारी दस्तावेजों मळवा मुद्दे खुलासो। मामलतदार की तपास में वरल गाम की पोस्ट ऑफिस की बेदरकारी सामे आवी। अमदावाद खराब रस्ताओ मुद्दे मुख्यप्रधाने सत्ताधीशों ने करी टकोर। रोड वारंवार तूटे तो जवाबदारी कोनी तेवो प्रश्न कर्यो। शहर ना ढोर नी गुणवत्ता सुधारवा कह्युं। कोर्पोरेटरो माटे कार्यशाला तालीम में संबोधन दरमियान बोल्या सीएम। राजकोट नी आनंद नर्सिंग कॉलेज ना भोजन में निकली ईयळ। अनेक वक्त खोराक मांथी जीवात निकलती होवाना आक्षेप। कॉलेज में 500 થી 600 विद्यार्थी करे छे अभ्यास। राजकोट में उत्तराण पहला चाइनीज दोरी वेचता लोको सामे कार्यवाही। क्राइम ब्रांच की टीमें 2 शख्स की करी धरपकड़। 146 नंग चाइनीज दोरी की फिरकीओ पकड़ाई। क्राइम ब्रांच की टीमें मोबाइल कार दोरी सहित 3.63 लाख नो मुद्देमाल जप्त कर्यो। राजकोट में रखड़ता श्वान नो आतंक यथावत। जंगलेश्वर और नीलकंठ पार्क में श्वान बन्यो हिंसक। बाड़की ने फाड़ी खाधा बाद श्वान हुमलाओ वध्या। रविवारे एक बाड़क पर कर्यो हतो हुमलानो प्रयास। तंत्र ने रजूआत करवा छता कोई कार्यवाही नहीं। बनासकांठा में सरकारी अनाज बारोबार वेचवानो कौभांड सामे आव्यो। पालनपुर गढ़ गामे थी पुरवठा विभागे 7 कट्टा अनाज जप्त कर्यो। ओछा भावे पुरवठा अनाज लईने बारोबार वेची देवातुं हतुं। अरवलीना मोडासा आर्ट्स कॉलेज में एबीवीपी नो हल्ला बोल। कैंपस क्लार्क ना उद्दताई भर्या वर्तन ना आक्षेपों साथे सूत्रोच्चार कर्या। भामाशाह हॉल भाड़े लेवाना विवाद ने अंगे मामलो विचक्यो। माफी नी मांग साथे भारे सूत्रोच्चार। अरवलीना मोडासा ना दधालिया गामे एसटी बस ने रोकी लोकोए नोंधाव्यो विरोध। एक बस में 140 जेटला मुसाफरो भरीने लई जता होवानी स्थानिकोनी फरियाद। बाळको विद्यार्थीओ अने वृद्धोने हालाकी पड़ती होवानो आक्षेप। रूट पर पूरती बसो होवानी एसटी विभागनी सफाई। पंचमहालनी हालोल नगरपालिकाना पूर्व प्रमुख सामे फरियाद। पोलीसे करी सुभाष परमारनी धरपकड़। बोगस दस्तावेज बनावी 17 प्लॉट वेच्या होवानो आक्षेप। हालोल सब रजिस्ट्रारे नोंधावी 2 लोको सामे फरियाद। सुरेन्द्रनगर जिल्लाना अनेक लोकोना अंदाजित 20 करोड़ थी वधु रूपया पल्स कंपनी में डूबी जता परेशान। ऊंचा दरना व्याज अंगेनी जाहेरात करी लोको पासेथी पल्स कंपनीए करोड़ों रूपया वसूल करी फरार। अनेक वक्त कंपनी में रजूआत छता नाणा परत न मळता कलेक्टर कचेरी में एजेंटो अने छेतरपिंडीनो भोग बनेला लोको भेगा थया। सुरेन्द्रनगर में बाला हनुमानजी मंदिर महंत की हत्या नो भेद उकेलायो। 1.5 महीना पहला मंदिर में लूट ना इरादे घुसी महंत की करी हती हत्या। पुलिस बे हत्याराओं ने गोधरा नजीक थी करी धरपकड़। मंदिर महंत दयाराम जी ने हथियार घा झीकी मौत ने घाट उतार्यो हतो। सूरत में 19 वर्ष बाद झड़पायो पुलिस की हत्या नो आरोपी। पीसीबीए महाराष्ट्र थी मोस्ट वोन्टेड आरोपी ने पकड़वा में सफलता मिली। लूट दरमियान पुलिस पर पत्थर फेंकी करी हती हत्या। लॉकअप तोड़ी ने पर थयो हतो फरार। पुलिस आरोपी पर इनाम पर जाहिर कर्यो हतो। द्वारका जिल्लाना साइबर सेल ने मळी मोटी सफलता। गुजरात राजस्थान में साइबर क्राइम करनारा 6 आरोपी पकड़ाया। न्यूड वीडियो कॉल मार्फते लोकोने करता हता ब्लेकमेल। आरोपीओ 100 जेटली नकली वेबसाइट थी करता ठगाई। राजकोट धोराजी मार्केट यार्ड में डूंगी की हराजी शुरू। पोषणक्षम भाव विवाद वच्चे खेडूते वेचाण शुरू कर्यु। निकास बंदी कारण भाव गगड़ियों छे अने हाल खेतर में पड़ेलो पाक बगड़ी रह्यो छे। त्यारे खेडूतो नीचा दरे डूंगी वेचवा मजबूर बन्या। डूंगळीना गगड़ता भावथी खेडूतोमां रोष। धोराजी पंथकना खेडूतोए कर्युं प्रदर्शन। डूंगळीनो हार पहेरी डेप्यूटी कलेक्टर ने आप्युं आवेदन पत्र। डूंगळी कृषि प्रधान ने मोकलवा करी मांग। नायब कलेक्टरे इनकार करता थयो वाद विवाद। खेडूतोए कचेरी बहार बोलावी रामधून।
राजकोटना गोंडल मार्केटयार्ड में मरचा की विपुल प्रमाण में आवक। एपीएमसी बहार वेचाण माटे आवेला खेडूतोनी लागी लांबी लाइन। 50,000 मरचा की भारी थी यार्ड छलकायु, साथ ज विविध 1,300 थी वधु जातना मरचा की थी आवक। भावनगर जिल्लाना डुंगळी पकवता खेडूतोए नोंधाव्यो विरोध। केन्द्र सरकारे डुंगळी पर लादेला निकासना प्रतिबंध सामे कर्या सूत्रोच्चार। मार्केटयार्डमां हराजी बंद करावीने खेडूतोए कर्युं प्रदर्शन। धोराजीमां गुजरात कोंग्रेसना आगेवान पाल आंबलियानुं निवेदन। डुंगळीना गगड़ता भाव मुद्दे सरकार पर साध्युं निशान। भाजपना सांसद अने धारासभ्योनी सरकार रजूआत न सांभळे तो तेमणे राजीनामुं आपवुं जोईए। कृषिमंत्रीए खेडूत पुत्र छे एमणे खेडूतोनी वेदना समजवी जोईए तेवुं कह्युं। बोटाद में खेडूतोए कर्यो चक्काजाम। जिला भारतीय किसान संघनी आगेवानीमां विरोध। तालुका सेवा सदन सामे रोड पर डुंगळी फेंकीने कर्यो प्रदर्शन। आगामी 7 दिवस में डुंगळीनी निकास शुरू करवा आप्यो अल्टिमेटम, नहींतर गांधीनगर में प्रधानोना आवास सामे डुंगळी फेंकी विरोधनी झीपकी। पोलीसे 10 जेटला खेडूतनी करी अटकायत। देवभूमि द्वारकाना खंभाड़िया यार्ड में मगफळीनी पुष्कळ आवक। एपीएमसी में 20,000 कट्टा मगफळी भराई। वधु वेचाण माटे 2-3 किलोमीटर सुधी खेडूतोनी लागी लाइन। राज्य में मण दीठ 1200-1400 रुपया सुधी बोलायो भाव। सारो भाव मळता जिल्लाभर में खेडूतोनो धसारो। सावरकुंडला एपीएमसीए वेपारीओने नोटिस फटकारता सतत चौथा दिवसे वेपारीओनी हड़ताल। गईकाले वेपारीओनी समझूती माटे एपीएमसी अने किसान संघनी बैठक मळी हती, जो कि आ बैठक में कोई योग्य निर्णय लेवायो नथी। भावनगरना सीहोर पंथकना खेडूतोमां रोष। दिवसे पण वीजळी आपवानी मांग। टाणा, वावड़ी, राजपरा, गुंदाळा, धूळसर, बीकड़ी सहित ग्राम्य विस्तार खेडूतोए कर्यो विरोध। रात्रे सीहोर तालुकानी पीजीवीसीएलनी सब डिविजन टाणा कचेरीनो कर्यो घेराव। अमदावादना गुजरात यूनिवर्सिटी बहार लारी गल्ला दबाणनो दूर करवानो मुद्दो। लारीओ उठावा अंगे वेन्डरोए करी दादागिरी। यूनिवर्सिटीनी जग्या होवा छतां लारीओ उठावा देवामां न आवी। दबाण हटावानी कामगीरीमां पोलीस बनी मुख प्रेक्षक। बनासकांठामां सरकारी आवासना 7 जेटला मकान तोड़ी पड़ाया। धानेराना थावर गाममां तंत्रे करी कामगीरी। वर्ष 2010-11 सरकारी खर्चे बनावायेला मकानों पर फरी वळ्युं बुलडोजर। सरदार आवास अने इंदिरा आवास योजना हेठळ गरीब परिवारों ने फाळवाया हता मकान। दबाणना नामे तंत्रए ज मकान दूर कर्या। तंत्रनी कामगीरीथी नाना बाळको अने वृद्धो सहित परिवारों निराधार थया। सरकारे आपेला मकान तोड़ी पाड़ता तंत्रनी कार्यवाही सामे उठ्या सवाल। पंचमहालना गोधरा शहरना म्युनिसिपल शॉपिंग सेंटरनी 400 वधारे दुकानों बंद राखवामां आवी। पालिकाए दुकानोना भाड़ामां तगड़ो वधारो झींक्यो होवाना आक्षेप साथे दुकानदारोए सामूहिक बंद पाड्यो। देवभूमि द्वारका में फूंकायो भारे पवन। बेट द्वारका अने ओखा वच्चे चालती बोट फेरी बंद कराई। भारे पवन में यात्रीओनी सुरक्षा माटे लेवायो निर्णय। वातावरण सामान्य थता फरी सेवा शुरू कराशे। अरवली में एसटी बस रोकीने विरोध करायो। मोडासाना दधालिया गामना लोकोए बसने अटकावी। नियमथी विरुद्ध खीचोखीच मुसाफरोने बेसाडता होवाना आक्षेप। डेपो मैनेजरने वारंवार रजूआत करवा छतां निराकरण न आवता विद्यार्थीओ अने लोकोमां उग्र रोष। सूरत महानगरपालिका की घोर बेदरकारी सामे आवी। छेल्ला एक महीनाथी पाणीनी पाइपलाइन में भंगाण। शहरना मुख्य मार्ग मजूरा गेट में रोज हजारों लीटर पाणीनो वेड़फाट। पाछला 30 दिवसथी पाणीनी लाइननुं समारकाम न थता तंत्रनी कामगीरी सामे उठ्या सवाल। तापीना उकाई थर्मल पावर स्टेशनना ऑनलाइन टेन्डरिंग अंगे ग्रामजनोनो विरोध। सोनगढ़ना घोड़ा जूथ ग्राम पंचायतना लोकोए जिला कलेक्टर ने मोटी संख्या में भेगा मळी आवेदन पत्र आप्यु। थर्मल पावर स्टेशन में जमीन गुमावनारा स्थानिकोए मोटी संख्या में भेगा मळी ऑनलाइन टेन्डरिंग नो कर्यो विरोध। सूरत में नवा टर्मिनल आरंभ बाद हवाई सेवा पण शुरू। एआई एक्सप्रेस ने सूरत दुबई की 180 सीटर की फ्लाइट शुरू। प्रथम दिवसे सूरत थी दुबई माटे 170 थी वधु पेसेंजर मळ्या। दुबई थी 100 थी वधारे मुसाफरो आव्या तो एआई एक्सप्रेस ने शारजहां फ्लाइट पण यथावत। 2 जानुआरी थी बेंगलुरु सूरत दुबई की फ्लाइट शुरू थशे। 9 जानुआरी थी हैदराबाद सूरत दुबई की फ्लाइट नो मळशे लाभ।
पीएम मोदी सूचन बाद एक्शन में गुजरात सरकार शिक्षण प्रधान प्रफुल्ल पानसेरिया सूरत की वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी ने लीधी मुलाकात वाइस चांसलर और अधिकारी साथ करी बैठक जमा भाषाओं शिक्षण अपा शिक्षकों की नियुक्ति विषय चर्चा वडाप्रधाने दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी ने विदेशी भाषा निष्णातों तैयार करने आपी थी सूचना इंटरप्रिटेशन की जरूरियात ने पहुंची वड़वा आप सूचन अमदावाद शहर ने मळ्या नवा 230 पुलिस जवानों तालीम मेळवेला एलआरडी पुलिसकर्मीओनो परेड दीक्षांत समारोह योजायो गृहमंत्री हर्ष संघवी और राज्यना पुलिस वडा दीक्षांत परेड में रहा हाजर पुलिस कमिश्नरे नवा पुलिसकर्मीओने शपथ लेवड़ाव्या अमदावादना कृष्णनगर विस्तार में असामाजिक तत्वों करी तोड़फोड़ मोड़ी रात्रे फ्लेट बहार पार्क थयेली बे कारना कांच तोड़्या बाइक पर आया था शख्स स्थानिकों की फरियाद ना आधारे पुलिस हाथ धरी तपास अमदावाद में विश्व उमिया फाउंडेशन ना प्रमुख नु निवेदन दीकरियों ना भागी ने प्रेम लग्न करवा मुद्दे आरपी पटेले व्यक्त करी चिंता दीकरियों ने घर में ज हूंफ आपो जेथी भागी ने प्रेम लग्न न करे दीकरियों छूटथी पोतानी वात रजू करे तेवो माहौल बनावो घर में ज दीकरियों ने योग्य माहौल मळशे तो दूषण अटकशे लग्न कायदा सुधारा मुद्दे एसपीजी अध्यक्ष लालजी पटेल नु निवेदन हूँ आरपी पटेल ना निवेदन नु समर्थन करू छू छेल्ला 3 वर्ष थी खोटा लग्न नोंधणी सामे लड़त आपी रह्यो छू मोटा भागना असामाजिक तत्वो लव मेरेज करी छोकरियों ने भगाड़ी जाय छे મહેસાણાના કડીમાં સમસ્ત વૈષ્ણવ જીવન સાથી પસંદગી મેળામાં નીતિન પટેલનું નિવેદન હિન્દુઓમાં એકતા ઓછી અને જ્ઞાતિ એકતા વધુ આપણે હિન્દુઓના નામથી એક થવાની જરૂર દરેક સમાજમાં છોકરીઓની સામે છોકરાઓની સંખ્યા ખૂબ ઓછી તે ચિંતાનો વિષય ડાકોર નગરપાલિકાની બેદરકારી સામે આવી ડ્રેનેજ વિભાગનું વાહન કોઈપણ ડોક્યુમેન્ટ કે નંબર પ્લેટ લગાવ્યા વિના ચલાવવામાં આવ્યું હતું ખેડાના एक टोल प्लाजा पासे वाहन चेकिंग दरमियान वाहन पकड़ायो अमदावाद में एएमटीएस ना कंडक्टर और ड्राइवर चालू फरज दरमियान चानी चुस्की माणी निकोल विस्तार में मुसाफरो भरेली बस में कंडक्टर और ड्राइवर उतरी चापीवा गया होवानो वीडियो वायरल बस में सवार एक मुसाफरे वीडियो उतारी सोशल मीडिया में कर्यो वायरल ડાંગમાં આદિવાસી વિસ્તારમાં ધર્માંતરણ અંગે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ આકરા પાણીએ સાપુતારામાં વીએચપીના કેન્દ્રીય સહમંત્રી ધર્મેન્દ્ર ભવાનીએ બીટીપી નેતા છોટુ વસાવા અને મહેશ વસાવાને લીધા આડે હાથ કહ્યું છોટુ અને મહેશ વસાવાના સમર્થકો ગીધડનું ઝુંડ છે આદિવાસીઓને ભરમાવીને હિન્દુ ધર્મથી દૂર કરાઈ રહ્યા છે ગુજરાતમાં એક વર્ષમાં 15,000 લોકોને ફરી હિન્દુ બનાવાશે ધર્મેન્દ્ર ભવાનીનો વિડીયો થયો વાયરલ છોટાઉદેપુર માં કોંગ્રેસ નેતા સંગ્રામ રાઠવાનો ભાજપ ઉપર સનસનીખેજ આરોપ જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ બનાવવા ભાજપે તેમના જ સભ્ય પાસે માંગ્યા હતા 50 લાખ રૂપિયા જોજ બેઠકના આદિવાસી મહિલા સભ્ય શર્મિલાબેન રાઠવા પાસે રૂપિયા માંગ્યાનો આરોપ સુરતના કામરેજમાં પરિણીતાએ કર્યો આપઘાત પંખા સાથે લટકીને ગળેફાંસો ખાઈ જીવન ટૂંકાવ્યું પતિની દારૂ પીવાની આદતથી કંટાળી આત્મહત્યા કરી હોવાની ચર્ચા પોલીસે આત્મહત્યા મામલે પરિવારની શરૂ કરી પૂછપરછ સુરતમાં ફાર્મ હાઉસના માલિકે હવામાં કર્યું 3 રાઉન્ડ ફાયરિંગ બહાર રસ્તા પર ઝાડની ડાળખીઓ કપાતા રોડ બંધ થયો જેમાં યુવક સાથે બબાલ થઈ 8-10 યુવાનો ભેગા થઈ જતા ફાર્મ હાઉસના માલિકે લાયસન્સ વડે રિવોલ્વરથી કર્યો ગોળીબાર ઘટના કામરેજના કઠોદરા ગામની સુરતમાં શેરબજાર અને ક્રિપ્ટોકરન્સીના નામે છેતરપિંડી 11,54,000 રૂપિયા યુએસડીટી ટ્રાન્સફર કરાવીને ઠગાઈ આચરી ફરિયાદના આધારે સુરત સાયબર સેલે 3 શખ્સોને ઝડપ્યા વિદેશમાં વર્ક પરમિટ આપવાના નામે છેતરપિંડી કરનાર ઝડપાયો સુરતના ઇકો સેલે યુસુફ પઠાણને દબોચ્યો પતિ પત્નીએ 20થી વધુ લોકો સાથે કરી ઠગાઈ વિઝા આપવાના નામે 1 કરોડથી વધુનો લગાવ્યો છૂનો દિલ્હી એરપોર્ટથી પકડાયેલા આરોપીને સુરત લવાયો સુરતમાં તસ્કરોનો આતંક યથાવત કામરેજ ગામની શાંતિવિલા સોસાયટીમાં ત્રાટક્યા તસ્કરો એક સાથે 3 મકાનોમાં હાથફેરો કર્યો ઘરેણા સહિત 1 લાખ રૂપિયાની ચોરી કરી બંગલામાં ઘૂસતા શખ્સોના દ્રશ્યો સીસીટીવીમાં કેદ ફૂટેજના આધારે પોલીસે હાથ ધરી તપાસ વડોદરામાં બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ માટે ઉપયોગમાં લેવાતા ડીઝલની ચોરી પોલીસે 7 આરોપીની કરી ધરપકડ ક્રેઇન સહિતની મશીનરીમાંથી કરતા ડીઝલની ચોરી પોલીસે ચોરાયેલા ડીઝલનો જથ્થો કબજે કર્યો
અમદાવાદમાં વિશ્વ ઉમિયા ફાઉન્ડેશનના કાર્યાલયમાં ત્રાટક્યા તસ્કરો 500-500 ગ્રામની ચાંદીની બે મૂર્તિની કરી ચોરી ફાઉન્ડેશનના મેનેજરે નોંધાવી પોલીસ ફરિયાદ પોલીસે તસ્કરોને પકડવા હાથ ધરી તપાસ વલસાડમાં ભંગારના ગોડાઉનમાં લાગી આગ કપરાડાના નાના પોંઢા ગામમાં બની દુર્ઘટના શોર્ટ સર્કિટના કારણે ભીષણ આગ લાગી ફાયર વિભાગની ટીમે ભારે જહેમત બાદ આગ પર મેળવ્યો કાબૂ